हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जब भी हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ईवी कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन किट का सिलेक्शन करते हैं तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन मैं अगर सबसे कॉमन कन्फ्यूजन की बात करूँ तो वो होता है हमारे ईवी किट का ऑपरेटिंग वोल्टेज। काफ़ी सारे लोग मोटर सिलेक्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको हायर वोल्टेज की मोटर के लिए जाना चाहिए या फिर लोअर वोल्टेज की मोटर के लिए। अगर हम लोग हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे इंडिया में अभी आप लोगों को 72 वोल्ट, 48 वोल्ट और इवन 36 वोल्ट की BLDC मोटर्स मिल जाएंगी, पर सबसे कॉमन अगर मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो वो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 72 वोल्ट और 48 वोल्ट की BLDC मोटर्स। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि हम लोगों को 72 वोल्ट यानी कि हायर वोल्टेज रेंज के लिए जाना चाहिए या 48 वोल्ट की BLDC मोटर के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी मोटर हमारे ईवी कन्वर्जन के लिए बेस्ट होती है और क्यों होती है, और विद एग्जांपल हम लोग सारी डिटेल में जानेंगे कि कौन सी मोटर बेस्ट होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ईवी कन्वर्जन के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में। और BLDC मोटर के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज को समझने के लिए हम लोग दो डिफरेंट टाइप की मोटर्स की बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए, जो उसमें होने वाली है 48 वोल्ट BLDC मोटर और 72 वोल्ट BLDC मोटर। हालांकि जो अगर हम लोग पावर की बात करेंगे तो इन दोनों मोटर का पावर सेम ही होने वाला है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर की स्पेसिफिकेशन की, और हम लोग बात करेंगे 72 वोल्ट BLDC मोटर की, जिसका कि नॉमिनल पावर है 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट। अब हम लोग बात करेंगे पावर के फार्मूले की, और पावर का फार्मूला होता है P=VI। यहाँ पर V जो है वोल्ट है और I एम्पियर है। अब अगर हम लोग इस वो फार्मूले से करंट की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी P/V, यानी कि करंट इक्वल्स टू P पावर जो कि है हमारा 3000 वाट, और वोल्टेज जो हम लोग 72 वोल्ट पकड़ के चल रहे हैं। तो यहाँ पर मोटर का रेटेड करंट आ जाता है, नॉमिनल करंट वो है 42 एम्पियर का। हालांकि दोस्तों, BLDC मोटर के केस में पीक करंट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें नॉमिनल करंट की यानी कि रेटेड करंट की, तो ये 42 एम्पियर आया है। ऐसे ही अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक 48 वोल्ट 3 किलोवाट पावर की मोटर का करंट, और अगेन फार्मूला यूज करेंगे P=VI, करंट हो गया हमारा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, और चूंकि हमारा जो पावर है वो है 3000 वाट और वोल्टेज जो कि हम पकड़ के चल रहे हैं 48 वोल्ट। तो यहाँ पर इस मोटर का यानी कि 48 वोल्ट की मोटर का जो नॉमिनल करंट निकल कर आता है वो आता है 63 एम्पियर। अगेन दोस्तों, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं नॉमिनल करंट की यानी कि रेटेड करंट की, तो 63 एम्पियर है, पीक करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी और BLDC की केट में इससे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, अब हम लोग इन दोनों मोटर्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें 72 वोल्ट की मोटर की, जिसका कि नॉमिनल पावर है 3000 वाट, उसके करंट निकल कर आया है हमारा कैलकुलेशन के बाद 42 एम्पियर का। वहीं अगर 48 वोल्ट की बात करें तो उसकी करंट कंजम्पशन निकल कर आई है रेटिंग नॉमिनल 63 एम्पियर। अगर हम लोग इन दोनों मोटर्स की करंट रेटिंग को कंपेयर करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो 48 वोल्ट की मोटर है वो 72 वोल्ट के अगेंस्ट में तकरीबन 50% तक ज़्यादा करंट विड्रॉ कर रही है। दोस्तों, हमारे ईवी किट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ये काफ़ी कुछ तक डिपेंड करता है करंट विड्रॉवल पर। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे करंट विड्रॉवल हमारे ओवरऑल ईवी कन्वर्जन किट को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली उसके परफॉर्मेंस को, और इसके साथ साथ अफेक्ट करता है हमारी बैटरी की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ को भी। अब सबसे पहले हम लोग हमारी 72 वोल्ट की मोटर और 48 वोल्ट की BLDC मोटर्स को एफिशिएंसी के टर्म में कंपेयर करते हैं, और इसके लिए जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज डिफरेंस। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हायर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज डिफरेंस जहाँ पर भी ज़्यादा होता है वहाँ करंट का फ्लो काफ़ी तेजी से होता है, जबकि लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट का जो फ्लो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ऐसा ही केस हमारी BLDC मोटर के केस में भी होता है। जहाँ पर हम लोग 72 वोल्ट की बात करते हैं वहाँ पर करंट का जो फ्लो होता है फास्टर होता है अगेंस्ट 48 वोल्ट की मोटर के करंट फ्लो के कंपेरिजन में। इसलिए दोस्तों, हायर वोल्टेज की जो मोटर्स होती है उनकी इफिशेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो वोल्टेज डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का वो ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, इफिशेंसी के टर्म्स में जो मोटर विन करती है वो है हायर वोल्टेज वाली मोटर यानी कि 72 वोल्ट वाली मोटर्स। अगले जिस पैरामीटर में हम लोग दोनों मोटर्स को कंपेयर करने वाले हैं वो है मोटर्स की हीटिंग का यानी कि मोटर के टेम्परेचर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग मोटर्स को रन करते हैं तो करंट का कुछ पोर्शन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण कि हमारी जो मोटर्स हैं वो हीटअप हो जाती हैं क्योंकि करंट हीट में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम लोग दोनों मोटर्स की हीटिंग की प्रॉपर्टी को आपस में कंपेयर करें
तो चूंकि 72 वोल्ट की जो मोटर है उसका करंट विड्रॉवल होता है 42 एम्पियर नॉर्मल, और वहीं 48 वोल्ट की जो मोटर है उसका करंट विड्रॉवल होता है 63 एम्पियर, यानी कि जो 48 की वोल्ट की मोटर है वो 50% हायर करंट विड्रॉवल करती है। और दोस्तों जो करंट होता है वो टेम्परेचर का प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि अगर हम लोग इसको हीटिंग से समझें तो जो 72 वोल्ट की मोटर है उसमें हीटिंग 48 वोल्ट के कंपेरिजन में काफ़ी कम होगी। और इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो करंट है उसका कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इफिशियंसी से भी लिंक है, क्योंकि 72 वोल्ट की मोटर में कम हीटिंग होती है, यानी कि इसका करंट का कम पोर्शन ही हीट में कन्वर्ट होता है, जबकि 48 वोल्ट की मोटर में ज़्यादा हीटिंग होती है क्योंकि हायर करंट विड्रॉ करती है, इसका इसलिए इसका करंट का मेजर पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों BLDC मोटर अगर लोअर वोल्टेज की है तो उसमें हीटिंग भी ज़्यादा होगी और आपको उसके लिए एक्सटर्नल कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। जितनी कम वोल्टेज की मोटर होती है उसको उतनी ज़्यादा एक्सटर्नल कूलिंग की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और पैरामीटर की, वो है हमारे वायर गेज की, यानी कि वायर थिकनेस की। चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि 48 वोल्ट की मोटर यानी कि लोअर वोल्टेज की मोटर का जो करंट विड्रॉवल है वो ज़्यादा होता है और इसीलिए उसमें हीटिंग भी ज़्यादा होती है। अब चूंकि करंट विड्रॉवल ज़्यादा है और हायर करंट होता है, इसलिए जो गेज की थिकनेस है वो भी हम लोगों को ज़्यादा मोटी यूज़ करनी पड़ती है कम वोल्टेज की मोटर में। चूँकि अगर हम लोग कम गेज का वायर यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा और वो बर्न हो जाएगा, जबकि अगर हम लोग हायर वोल्टेज की मोटर की बात करें तो क्योंकि इसमें हीटिंग कम होती है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज करंट फ्लो होता है वो कम होता है, इसलिए हम लोग कम गेज के या फिर कम थिकनेस के वायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं 72 वोल्ट की मोटर में। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हायर करंट मतलब आप लोगों को मोटे गेज का या हायर गेज का वायर से यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग हायर वोल्टेज की मोटर पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे जो वायर है और उसके साथ जो सपोर्टिंग एसेसरीज है उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि उसका गेज कम हो जाता है। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर पर हमारी इन दोनों मोटर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, वो है हमारे बैटरी पैक का परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो EV किट के ऑपरेटिंग वोल्टेज का सिलेक्शन होता है वो हमारी बैटरी पैक के परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब होता ये चूँकि हम लोग जान चुके हैं कि 48 वोल्ट की मोटर जो होती है वो 63 एम्पेयर का करंट विड्रॉ करती है, जो कि 72 वोल्ट की मोटर के 42 एम्पेयर के करंट विड्रॉवल के अगेंस्ट में 50% हायर साइड है। अब जबकि हम लोग बैटरी पैक से हायर करंट विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। हालांकि एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर हम लोग सेम कैपेसिटी का बैटरी पैक बनाते हैं तो दोनों के केस में, यानी कि 5 किलोवाट का बैटरी पैक बनाते हैं दोनों के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, तो उसके प्राइस में ज़्यादा कुछ वेरिएशन आएगा नहीं, 5% के आसपास आएगा, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आएगा वो है करंट विड्रॉवल का। क्योंकि लोअर वोल्टेज के केस में ज़्यादा करंट विड्रॉ होगा हमारे बैटरी पैक से, तो हमारे बैटरी पैक का टेम्परेचर भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा राइज होगा। अब चूंकि बैटरी पैक का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ओवरऑल टेम्परेचर हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक तो वो उसकी इफिशियंसी को कम करता है, दूसरा वो उसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अगर आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट का हमारे लिथियम आयन सेल्स की बैटरी लाइफ के ऊपर, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका कि लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, इससे आप जान पाएंगे कि टेम्परेचर हमारे लिथियम आयन सेल्स की लाइफ के लिए और परफॉर्मेंस के लिए कितना हार्मफुल है। अब दोस्तों जो कि हायर करंट विड्रॉवल हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ओवरऑल वो हमारे लिथियम आयन सेल्स और हमारे बैटरी पैक की लाइफ को और इसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, और ओवरऑल इसका इफेक्ट हमारे लिथियम आयन सेल्स की बैटरी पैक पे परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। हालांकि हम लोग कुछ जगह पर इसको काउंटर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे सेल्स में जो हम लोग स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, अब हायर करंट है तो हम लोग कॉपर स्ट्रिप यूज़ करना पड़ेगी, उसका एरिया बढ़ाकर उसकी थिकनेस बढ़ाकर हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं टेम्परेचर राइज को, पर वो एक लेवल तक ही होगा और एक लिमिट से आगे हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप लोग चाहते हैं इसका बेस्ट सॉल्यूशन, तो वो ये होता है कि आप लोग हायर वोल्टेज की मोटर के लिए चले जाएँ, क्योंकि हायर वोल्टेज की मोटर में एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, हीटिंग की प्रॉब्लम भी कम होती है, और जो आपका बैटरी पैक है उसको वेल सपोर्ट करती है हायर वोल्टेज की मोटर। और चूँकि प्राइस डिफरेंस आता नहीं है, आप अगर इन टोटल पावर के हिसाब से बात करें बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग की, तो बेस्ट सिलेक्शन होता है कि अगर आपके पास अवेलेबल ऑप्शन तो थोड़े ज़्यादा पैसे देके भी अगर आपको हायर वोल्टेज की मोटर और EV कन्वर्जन किट मिल रही है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हायर वोल्टेज की मोटर और EV कन्वर्जन किट के लिए ही जाएं।